लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए अक्षरा किचन और बेल के बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। मैं आपकी अप्सरा। आज की जो रेसिपी है, काफी बारिश का मौसम है, क्यों ना हम पकौड़ा बना के खाया जाए। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी सा पकौड़ा, जो है भिंडी का पकौड़ा। और ये क्रिस्पी होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी वाला। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो जरूर मेरे वीडियो चैनल लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, आज भिंडी का पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। हम लेंगे एक साफ सा बोल और एक लेंगे छलनी। इससे हम क्या करेंगे, मैंने लिए थोड़ा सा बेसन, एक चम्मच के करीब चावल के आटे, ज़्यादा मत डालेगा, जितना आपकी क्वांटिटी है आपको उसी हिसाब से डालना है, नहीं तो आपकी भिंडी के पकौड़े कड़क हो जाएंगे। ये क्रिस्पी के लिए मैंने डाला है, नहीं तो ज़्यादा डालोगे तो ये आपका पकौड़ा टाइट हो जाएगा। एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अपने स्वाद अनुसार नमक, और इसको छन्नी से स्टेम कर लेते हैं। इससे क्या होता ना, जो आपका बेसन में गुठलियाँ वगैरह हैं वो अच्छे से छन्नी से निकल जाते हैं। अगर कुछ पर कुछ मैला भी कुछ रह गया हो वो भी निकल जाता है। ये देखिए, ये सारा मैंने छन्नी से स्टेन कर लिया। ये देखिए थोड़े बड़े बड़े दाने हैं वो सारे निकल आए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छा सा बैटर बनाएंगे, स्मूथ सा। मैंने एक कप पानी लिया है, तो हम सारा पानी एक साथ ही नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। और थोड़ा पानी डालेंगे, हमें ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, एकदम मीडियम सा पेस्ट बनाना है। इसको पहले अच्छे से घोल लेते हैं ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। इसको हमने कम पानी दे के अच्छा से फेंट लिया है। देखिए अच्छे से फेंट लिया है हमने, और इसमें कोई गुठलियाँ भी नहीं है। उसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, ये देखिए बैटर हो गया हमारा तैयार, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा, एकदम स्मूथ सा बैटर बनके तैयार हो गया है। हमने ली थी एक कप पानी, तो मैंने आधा कप पानी यूज़ किया है। अब मेरे लिए है 10-12 भिंडी पतली वाली। अब इसको हम इसके जो ऊपर का डंठल है वो काट लेते हैं। मैंने भिंडी को पहले से ही धो के रखा हुआ है 10-15 मिनट पहले। भिंडी ज़्यादा पतली वाला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मोटी भिंडी अच्छी नहीं लगती, फिर वो अच्छे से पकते भी नहीं है। हमने भिंडी सारा काट लिए हैं, इसको करती हूँ साइड। और भिंडी की हमें से बीच में थोड़ा सा हल्का सा ऐसा कट लगा देंगे, हल्का सा। एक ही तरफ लगाएंगे, चारों तरफ लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही तरफ ही लगानी है हमें। देखिए फ्रेंड, मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें तेल भी डाल दिया है, काफ़ी टाइम पहले से मैंने बैठा दिया था, 5 मिनट पहले गर्म भी हो चुकी है। तो अभी मैंने गैस को बिल्कुल कम रखा है सिम पे, और सारे भिंडी को हमने काट लिए थे। और इस बार बैटर को थोड़ा सा घोल लेते हैं अच्छे से। ये बैटर भी हमने घोल लिया है, इसको रखते हैं साइड। अब एक एक भिंडी को ऐसे डुबाएंगे अच्छे से, जैसे हम मिर्ची के पकौड़े बनाते हैं सेम उसी तरह से, और एक एक करके ऐसे छोड़ेंगे।
तेल में। सारे भिंडिये को ऐसे हम तेल में डाल देंगे और इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होते तक इसको फ्राई करना है हमें। अब हमने भिंडी डाल दी है तो तेल थोड़ा ठंडा हो गया है, गैस को हम थोड़ा हाई टू मीडियम में कर देते हैं। जितना आपको एक बार में जितना कढ़ाई में आ सकता है उतना ही डालिएगा। देखिए मैंने काफी सारे डाल दिए हैं, इसको अब हल्की मीडियम टू हाई में इसको बिल्कुल ही थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर तेल को फिर गर्म जैसे हो जाती है, फिर इसको गैस को कम कर देंगे, फिर इसको मीडियम टू हाई करके इसको बिल्कुल फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये कलर भी इसका चेंज हो गया है, हमारा पकौड़ा बिल्कुल तैयार है। अब इसको सारे निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ये फूल भी गया है आप देख पा रहे हैं, अब इसको सारे निकाल लेते हैं। मैंने गैस को अभी मीडियम में रखा है क्योंकि तेल मेरा गर्म हो चुका था ज़्यादा, तो मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया है, मीडियम में रखा है। ये भी हमारा तैयार है, तो हम गैस को ऑफ करते हैं और ये सारे पकौड़े को निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरा गर्मा गर्म भिंडी के पकौड़े तैयार है, बारिश के मौसम भी है और मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, मैं तो चली भिंडी के पकौड़े खाने के लिए। आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए, जरूर अपना कमेंट्स भी बताइएगा कैसा लगा आपको भिंडी का पकौड़ा, और मेरे चैनल के नीचे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू।